नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। बोईसर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां चिल्लार बोईसर रोड पर केमिकल ले जा रहा एक टैंकर पलटकर अनियंत्रित हो गया, जिसके चलते इस जगह पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम लग गया। वहीं पलटे टैंकर से भारी तादाद में केमिकल सड़क पर गिरता नजर आया। आपको बता दें कि केमिकल से भरा यह टैंकर मुंबई से तारापुर MIDC एक कंपनी में जा रहा था, तभी वारंगधा के पास यह भयानक हादसा हो गया। इस जगह पर अक्सर गलत मोड़ व डायरेक्शन बोर्ड नहीं होने के चलते अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं इस स्थान पर बोईसर की ओर जा रहा यह टैंकर डिवाइडर से टकराने के कारण दूसरी लाइन पर जा पलटा, जिसके चलते यहां भारी ट्रैफिक जाम लग गया। वहीं बोईसर पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो इस दुर्घटना में चालक और वाहक मामूली रूप से घायल हो गया। हालांकि इस मामले में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस जगह पर बड़ी मात्रा में रसायन सड़क पर जरूर गिर गया। आपको बता दें कि तारापुर MIDC में निर्माण विभाग के इंजीनियर कई दुर्घटनाएं होने पर भी मरम्मत को लेकर चुप क्यों रहते हैं, या वे किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? यह एक सवालिया निशान है। पेश है बोईसर की यह एक रिपोर्ट।